है दोस्तों, नेक्स्टा डोमेन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आधुनिक जॉब मार्केट की उम्मीद टेक्निकल नॉलेज से कई ऊपर है। आपने जो सीखा उसमें आप भले ही अच्छे होंगे, लेकिन जब तक आप लोगों के व्यक्ति नहीं तब तक सब व्यर्थ है। प्रोफेशनली देखा जाए तो सही स्किल और सही स्वभाव साथ साथ चलते हैं। यदि आप फ्रेशर है और अपने लिए परफेक्ट जॉब ढूंढ रहे हो, सॉफ्ट स्किल आपको जॉब दिलाने में बड़ी सहायता करेगा। चलिए सभी सॉफ्ट स्किल के बारे में एक एक करके जानते हैं। शुरू करते हैं टीम वर्क से। आप भले ही अपने काम में महान होंगे, लेकिन हर चीज अकेले नहीं किया जा सकता। टीम वर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता और विफलता पूरी तरह से संपूर्ण टीम के प्रयासों पर निर्भर करती है, ना कि किसी अकेले के प्रयासों पे। आपने भले ही अच्छा प्रदर्शन किया होगा, लेकिन अगर आपकी टीम पीछे रह गई, आपका संपूर्ण मेहनत व्यर्थ तो हो जाएगा। वन फॉर ऑल फॉर वन, ये ऐसा मंत्र है जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में दूर तक ले जाएगा। अगला सॉफ्ट स्किल जो हर किसी के पास होना चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। देखा जाए तो कम्युनिकेशन सबसे बलवान स्किल है जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, और उसमें वो एक्सपर्ट भी हो। प्रोफेशनली कम्युनिकेशन इंसानों के लिए बेस बनाता है, जिससे वो आपको समझ पाए और आपके बारे में परसेप्शन बना पाए। आप भले ही अपने काम में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप टीम, क्लाइंट या किसी के साथ अपने काम के बारे में कम्युनिकेट करने में विफल रहे, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी असफल रहेंगे। क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको थोड़ा दूर चलने में प्रेरणा देता हो? वो क्या चीज है जो आपको अपना काम समय में पूरा करने के लिए मोहित करता है? मोटिवेटेड रहना हर प्रेशर के लिए जरूरी है जो जॉब ढूंढ रहा हो। जब बॉस आसपास होता है, तब हर कोई अपना काम ढंग से करता है। हालांकि जो चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है, वो है आपके मोटिवेटेड होके काम करने का रवैया। आमतौर पर लोगों को लगता है लीडरशिप का मतलब दूसरों को संभालना और आदेश देना। हालांकि लीडरशिप का रोल उससे काफी अधिक है। लीडरशिप ऐसी स्किल है जिसे सीखा या सिखाया नहीं जा सकता। लोग इसके साथ जन्म लेते हैं। कार्यस्थल पर लीडरशिप की क्वालिटी है एम्प्लॉय सक्रिय होकर प्रोजेक्ट का भार ले और होने वाले समस्याओं का हल निकाले। फ्रेशर होने के नाते प्रॉब्लम को ढूंढकर समझना और उसका उपयोग समाधान निकालना, ये हर एम्प्लॉयर का एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या पता आपको कैसी कैसी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन जल्द से जल्द ऐसी समस्याओं को हल करने की क्षमता आपकी काफी काम आ सकती है। समस्या आने पर बैठकर रोने की जगह यह महत्वपूर्ण है कि आप उस समस्या को हल करने के लिए कौन से कड़े कदम उठाते हैं। एम्प्लॉयर हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है जो हर एडल्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ में परफेक्ट कैंडिडेट के अंदर सौंपे गए कार्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की विशेषताएं होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज अपने काम की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं या उन्हें दूसरों पर दोष लगाने की आदत होती है, वे आमतौर पर कम प्रोडक्टिव होते हैं। चीजें हमेशा आपके तरीके से नहीं चलेंगी। ऐसा समय आएगा जब सब कुछ घिनौना दिखाई देगा, लेकिन इसमें डूबने के बजाय आपको चीजों को सही करने का तरीका ढूंढना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करें, यह उम्मीद हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज से करती है। शिफ्ट टाइमिंग में बदलाव, वर्क शेड्यूल में बदलाव, लंबे समय तक कार्यालय में बिताना, कार्यस्थल में ऐसी कोई भी बात आ सकती है, लेकिन बदलाव को अडॉप्ट करने की क्षमता होना बहुत आवश्यक है। घड़ी हमेशा टिक टिक करके चलते रहेगा। आप इसके साथ कैसे चलते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। दुनिया भर की कंपनीज के लिए समय सबसे बड़ी संपत्ति है। ये कंपनीज के लिए कमिटमेंट का सिंबल है। मार्केट में रेपुटेशन रखने के लिए यह जरूरी है कि कंपनी और एम्प्लॉय अपने डेडलाइन से पहले काम को पूरा करें। निर्धारित डेडलाइन के अंदर टास्क को पूरा करने के लिए दबाव में काम करने को टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। सॉफ्ट स्किल वे गुण और विशेषताएं हैं जो हर किसी को दूसरे के साथ अच्छे से काम करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। उन्हें सॉफ्ट स्किल कहने के बजाय हमें उन्हें एसेंशियल स्किल कहना चाहिए। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो। अगली बार मिलेंगे कुछ और नए चीजों के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये वीडियो अधिक लोगों तक पहुंचे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।